अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन पालक की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 kg पालक लिया है, जिसको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत होती है। चलिए अब हम इसे ब्लांच करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें अपनी पालक ऐड करेंगे। और पालक को हम 1 से 2 मिनट के लिए भी इसमें बॉइल करेंगे, नहीं तो हमारी पालक काली हो जाएगी। देखिए हमारी पालक को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस पालक को अपने ठंडे पानी में निकाल लेंगे। पालक को हमने पानी में निकाल लिया है, अब हम इसमें से आधी पालक को पीस लेंगे और आधी पालक को हम इसमें से काट लेंगे। देखिए हमने पैन रख दिया है और अब इसमें डाल देंगे अपना 2 से 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। और तेल हमारा गर्म हो रहा है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, साबुत लहसुन, और साथ में इसके ऐड कर देंगे जीरा। और इसके साथ ही हम मीडियम साइज चम्मच बेसन, उसे हमें लो हीट पे 30-40 सेकंड तक पका लेना है। बेसन को आपको ज्यादा नहीं पकाना है, बेसन बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी सब्जी कड़ी हो जाएगी। अब इसके साथ ही हमने जो काटा हुआ पालक था ना, वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और इस पालक को थोड़ी सी देर के लिए हमें उसमें 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसके साथ ही हमने जो चिली करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी। देखिए हमारी प्यूरी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें ही चला लेंगे पैन में। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, पानी सूख जाने तक हम इसे पका लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन रही है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम। आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई भी बीट करके डाल सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर और कसूरी मेथी। किसी भी रेस्टोरेंट में लहसुनी पालक बनाने के लिए इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। और अब हमारी ये लहसुनी पालक बनके बिल्कुल रेडी है, अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। लहसुनी पालक रेडी हो चुकी है, अब हम इस पे लगाएंगे एक खुशबूदार तड़का, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून देसी घी। और देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 साबुत लाल मिर्च, गार्लिक और थोड़ा सा जीरा। अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम इसे अपने लहसुनी पालक पे ऐड कर देंगे। और देखिए ये हमारा लहसुनी पालक बिल्कुल रेडी है, तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए।